साइड डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस अलॉन्ग रोड सरफेस फ्रॉम स्पेसिफाइड हाइट अबव कैरिज वे दैट हैज़ विजिबिलिटी ऑफ स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो कि अलॉन्ग द रोड सरफेस है फ्रॉम ए स्पेसिफाइड हाइट, कोई पर्टिकुलर हाइट से, दैट हैज़, अब यहाँ से जो विजिबिलिटी है कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये हमारी साइट डिस्टेंस होती है। टाइप्स ऑफ साइट डिस्टेंस, फर्स्ट स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस को कहा जाता है, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस जिस जहाँ तक हमें विजिबिलिटी हो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस। इसे हम आगे डिराइव भी करेंगे कि कितना डिस्टेंस किसी व्हीकल को लगता है स्टॉप होने में। सेकंड, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, ये मोस्टली ट्वाइस होता है यही SSD का। थर्ड, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, तो ये सेफ नाम से समझ आ रहा है ओवरटेकिंग का है, यानी कि ये सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितनी हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, कि हमारी व्हीकल स्मूथली ओवरटेक हो जाए, तो उतनी जो डिस्टेंस हमें चाहिए विजिबिलिटी की ओवरटेक करने के लिए, दैट इज़ द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट, अगर कोई हम सेक्शन में एंटर करते हैं इंटरमीडिएट सेक्शंस पे, तो वहाँ पे ट्वाइस ऑफ SSD की ज़रूरत होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस होती है किसी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, तो दैट्स द एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे एक पॉइंट कि हेडलाइट साइट डिस्टेंस, सो नाम से ही समझ आ रहा है हेडलाइट, यानी कि इट वर्क्स ड्यूरिंग नाइट, जो विजिबिलिटी होती है हमारे हेडलाइट की ड्यूरिंग नाइट, दैट डिस्टेंस इज हेडलाइट साइट डिस्टेंस। सेकंड, ये जो सेफ साइट डिस्टेंस टू, हमें एक सेफ साइट डिस्टेंस, एक जस्ट एक पॉइंट है कि सेफ साइट डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है डिस्टेंस टू एंटर इनटू इंटरसेक्शन, एक सेफ साइट डिस्टेंस एक टर्म है SSDAB, उसकी रिक्वायर होती है हमें किसी इंटरसेक्शन पे एंटर करने के लिए। नाउ कंप्यूटेशन साइट डिस्टेंस, ये जो साइट डिस्टेंस है ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है और इसे कैसे निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन टाइम, ये PIEV थ्योरी से आता है। रिएक्शन टाइम का वो मतलब होता है कि जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट विजिबल हो, ऑब्जेक्ट जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम विजिबल हुआ, विजिबल टू ब्रेक लगाते तक, ब्रेक अप्लाइड, उसके बीच का जो टाइम है वो रिएक्शन टाइम है कि ऑब्जेक्ट दिखा और हमने ब्रेक लगाया। तो जनरली जो हमारा IRC रिकमेंडेशन होता है वो 2.5 सेकेंड्स का हम लेते हैं रिएक्शन टाइम। सेकेंड, स्पीड ऑफ व्हीकल, तो ये तो सीधा समझ आ रहा है कि अगर स्पीड व्हीकल की ज़्यादा होगी, इफ़ स्पीड इज़ मोर, तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें इसे रोकने में, तो साइट डिस्टेंस हमें उतनी ही ज़्यादा चाहिए। ओके, एंड वाइस वर्सा। थर्ड, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, अब ये सीधा सीधा डिपेंड करता है व्हीकल की एज पे, दिस डिपेंड्स ऑन एज ऑफ व्हीकल।
कि गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है। तो जनरली IRC डिज़ाइन के लिए ब्रेकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 50% लेके चलता है, 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी लेके चलता है कि 50% एफिशिएंटली द ब्रेक्स आर वर्किंग। ओके, फोर्थ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टायर एंड रोड। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में, टायर एंड रोड के, तो वो कितना है। तो जनरली IRC लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इसकी वैल्यू 0.35 to 0.4 के बीच में लेने को कहता है। ये मोस्टली स्पीड पे डिपेंड करता है, आगे हम देखेंगे जब डिराइव करेंगे SSD पे कि कौन कौन सी वैल्यू लेना चाहिए। बहुत मतलब आप ले सकते हैं वैसे, बट कौन सी मोर एक्यूरेट होगी एज पर द स्पीड ऑफ व्हीकल, डिज़ाइन स्पीड जो वहाँ की होगी। ओके, फिफ्थ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जब हम डिराइव करेंगे तो उस समय ग्रेडियंट के टर्म्स पे भी अलग से देखेंगे। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जहाँ हम रोड चला रहे हैं वहाँ की प्रोफाइल ग्रेडियंट अप कैसा है। तो अगर कोई सपोज ग्रेडियंट है और हम क्लाइंबिंग अप कंडीशन पे हैं कि गाड़ी लेके भाई साहब चढ़ रहे हैं ऊपर, तो क्लाइंबिंग अप करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो व्हीकल मोस्टली स्टॉप सून, व्हीकल जल्दी रुक जाएगी। तो SSD हमें साइड डिस्टेंस कम रिक्वायर होगी, सॉरी SD। और क्लाइंबिंग डाउन की केस में गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा होगी, चलो ज़्यादा नहीं भी होगी तो वो ग्रेविटी के साथ जा रही है, तो यहाँ पे इजीली स्टॉप नहीं होगी और यहाँ मोर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ साइड डिस्टेंस हमें मोर चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और है कि इसमें IRC कुछ हाइट देता है ऑब्जर्वर का कि वो किस हाइट से देख रहा है, और हमारी ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट कितनी है। तो IRC ने एक रिकमेंड किया है हाइट को, तो कैपिटल H है हाइट ऑफ ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, तो ये 1.2 मीटर लिया जाता है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन लिया जाता है 0.15 मीटर। ओके, सिमिलरली एक अमेरिकन स्टैंडर्ड का भी कोड है AASHTO, ये हाइट लेता है ऑब्जर्वर की 1.08 मीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ये लेता है 0.6 मीटर। ये बेसिकली डिपेंड करता है आफ्टर ए लॉट ऑफ स्टडी कि रोड पे किस तरीके की गाड़ी की हाइट मोस्टली कैसी है, एंड देन ऑब्स्ट्रक्शंस जो आते हैं रोड पे उनकी हाइट कितनी है। तो हमारी IRC बहुत कम हाइट लेता है ऑब्स्ट्रक्शन की, एंड हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज मोर हायर एज कम्पेयर टू अमेरिकन स्टैंडर्ड।